अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फील्ड विड्थ एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर की ही प्रोग्रामिंग एग्जांपल जो है वो आईटी सीरीज की बुक से करेंगे। प्रोग्राम नंबर है हमारे पास 10.4। राइट ए प्रोग्राम डेट डिस्प्लेज एवरेज। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें किस चीज़ को प्रिंट एफ में हमने डिस्प्ले करवाना है, एवरेज को। यूजिंग फील्ड विड्थ ऑफ 5 करेक्टर्स, कितनी फील्ड विड्थ हमने इस्तेमाल करनी है, 5 करेक्टर्स, और प्रिसीशन कितनी इस्तेमाल करनी है, 2। हमने क्या प्रिंट करानी है, एवरेज मार्क्स प्रिंट कराने हैं, और कितनी हमने फील्ड विड्थ और प्रिसीशन रखनी है, 5.2f। छोटा सा प्रोग्राम है। एवरेज जो है ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का वेरिएबल होगा, इसको वैल्यू आप खुद से असाइन कर देंगे कोई भी, और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में यहाँ पे जो हम मेन काम करवाना चाह रहे हैं वो 5 करेक्टर्स को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, और कितनी प्रिसीशन के साथ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, 2 के साथ। तो सिंपल हमने क्या किया, ये हमारा जो है वो सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हमने इस stdio और conio.h की फ़ाइल को ऐड कराना होता है, इंक्लूड कराना होता है, उसके बाद void main का फंक्शन आता है, curly braces start, curly braces close, और दरमियान में जो है वो हम अपने स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। तो हमने क्या करना था, एवरेज नाम का एक वेरिएबल लेना है और उसकी वैल्यू हमने रख लिया 70.52। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं पॉइंट डेसिमल के अंदर, कोई भी, ये आप पे है। और ये जैसे इसमें पॉइंट आ गया तो ये किस किस्म की वैल्यू होगी, फ्लोट। हमें कैसे पता चला कि हमने फ्लोट टाइप की वैल्यू लेनी है, बेटा जो एवरेज का आंसर होता है तो एवरेज में, क्योंकि हमारे पास डिवीजन हो रही होती है तो एवरेज का आंसर पॉइंट में आता है, ये अंडरस्टूड है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू जो है वो फ्लोट रखी। उसके बाद जो है हमने प्रिंट एफ में क्या प्रिंट कराना है, अपने एवरेज के इस वेरिएबल को प्रिंट कराना है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या इस्तेमाल करना है वो भी उन्होंने बता दिया है, 5.2f। तो हम ये देखिएगा प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को, हम क्या कर रहे हैं, एवरेज मार्क्स आर, ये एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, ये आपने जैसे लिखा है इसने एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाना है, और अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को, कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर को इस्तेमाल कर रहे हैं, परसेंटेज 5.2f। अब इस परसेंटेज 5.2f को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कोमा के बाद हमारे पास, हमें पता है आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है और उसके अंदर वो वेरिएबल लिखा होता है जिसकी वैल्यू हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवानी होती है। तो 5.2f को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, एवरेज वाले वेरिएबल से। एवरेज वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 7.52। अब इसके मुताबिक स्क्रीन पे हमारे पास कितने कॉलम रिजर्व हो जाएंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आंसर लिखना है, 2 डिजिट्स तक लिखना है आंसर। तो हमारे पास सबसे पहले 2 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, 0.07, इस तरह हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, और इस आउटपुट से पहले हमारे पास जो हमने मैसेज लिखा था वो प्रिंट हो जाएगा, एवरेज मार्क्स आर। ये रही हमारी आउटपुट, एवरेज मार्क्स आर 70.52, ये लिखा हुआ 70.52। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिएगा बेटा, प्रोग्राम नंबर है 10.5। राइट ए प्रोग्राम डेट डिस्प्ले फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ये है 15.2.3333, इस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को हमने डिस्प्ले कराना है यूजिंग मेरे से वो करेक्ट पिक्चर नहीं ली गई, ये मैं आपको बुक से देख के बताती हूँ, वेट। हाँ जी, करेक्ट, इन्होंने लिखा हुआ है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है 15.2.3333, इसको हमने क्या कराना है, इस वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, और कितने करेक्टर्स लेने हैं हमने, 10 करेक्टर्स, और प्रिसीशन कितनी लेनी है, 3 की प्रिसीशन लेनी है, और हमने अपनी आउटपुट को क्या करवाना है, लेफ्ट जस्टिफाइड कराना है।
चार काम करने हैं हमने। एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना है, वेरिएबल लेना है जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी 152.33, और हमने कितने कॉलम उसके लिए रिज़र्व करवाने हैं 10, ठीक है। और प्रिसिशन हमने कितनी लिख लेनी है, प्रिसिशन ऑफ 3, प्रिसिशन हमने लेनी है 3। और जो हमारी आउटपुट होगी हमने उसको क्या कराना है, जस्टिफाइड कराना है लेफ्ट साइड पे। बेटा ये सारा हमें पता है, हम एक वेरिएबल ले लेंगे फ्लोट टाइप का, कोई भी ले लेंगे, फॉर एग्जांपल ए ले लिया, उसकी जो भी वैल्यू उन्होंने दी हुई है उसमें हमने वो वैल्यू स्टोर करवा लेनी है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारा काम प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में आ रहा है। वो क्या कह रहा है, आउटपुट को लेफ्ट जस्टिफाइड कराना है। आउटपुट को लेफ्ट जस्टिफाइड कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ माइनस लगाते हैं, और कितने टोटल कैरेक्टर्स प्रिंट होने चाहिए 10, और प्रिसिशन कितने की होनी चाहिए, यहाँ पे लिखी हुई थी 3 की। तो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा माइनस लेफ्ट जस्टिफाइड कराने के लिए 10 कैरेक्टर, 3 के प्रिसिशन एफ। सिंपल सी हमारे पास स्टेटमेंट है। कोई भी वेरिएबल ले लेंगे फ्लोट टाइप का, उसके अंदर हम अपनी ये वैल्यू स्टोर करा देंगे। कौन सी वैल्यू थी, 152.33। ये देखिएगा, ये रहा हमारा प्रोग्राम। एक हमने वी नाम का वेरिएबल ले लिया, जो भी वैल्यू इन्होंने दी थी हमने उसको वी में स्टोर करा लिया। बाकी सारा काम फॉर्मेट स्पेसिफायर का है। आउटपुट को लेफ्ट जस्टिफाई करने के लिए परसेंटेज के साथ माइनस का साइन लगा दिया। 10 कैरेक्टर्स तक आंसर आना चाहिए, टोटल 10 कैरेक्टर्स प्रिंट होने चाहिए, 10 आ गया। और प्रिसिशन 3 की थी तो पॉइंट के बाद 3F लिख दिया। इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वी से। ये हमारी आउटपुट आ जाएगी। ये दोनों प्रोग्रामिंग एग्जांपल जो हैं, ये हमारा लेसन आज का यहीं तक था बेटा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज से आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर वाले और फील्ड विड्थ स्पेसिफायर वाले सारे जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने, उनको हम इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।